मोदी सरकार ही, उसके अलावा कोई है ही नहीं विपक्ष में। जब आप ये समझिए कि विपक्ष को एकजुट होना पड़े तो एक दूसरी तरफ शेर खड़ा है। सुनिए, जब देश में हर जगह बम फूटते थे ना तो उनको, इनको ये पसंद था, आज वो रुक गया है, आतंकवाद अपने चरम सीमा पे खत्म होने की उस पे है, तो इनको वो दिक्कत है। क्योंकि रोजगार की बात ये है कि आदमी खुद करना पड़ेगा, साफ सीधी बात है। मेहनत ना करोगे तो कुछ क्या हाथ मिला, कुछ भी ना। मेहनत कर जी, वो तो आप इसके ऊपर डिपेंड करता है, आप मेहनत कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आपको रोजगार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा आपको। रोजगार पे बात कर रहे थे, उस पर मैं जवाब देना चाहूंगा, रोजगार तो बहुत है, पर हमारे देश में क्या दिक्कत है कि सरकारी नौकरी को ही नौकरी समझते है। दूसरा, लाल किले से प्रधानमंत्री जी बोलते है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं तो उसी का विरोध प्रदर्शन होने लगता है। जिस हिसाब से हमारा आज देखेंगे कि जनसंख्या बढ़ रहा है, जब तक उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो इस देश में महंगाई और बेरोजगारी वो कभी भी खत्म नहीं होने वाले। मैं दोनों चीज का कह रहा हूँ, आज ये रोजगार लाए, इनके बगल वाला महंगाई भी लाएगा। तो मैं दूसरा उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि ठीक है, मैं दोनों क्लियर करना चाहता हूँ कि बेरोजगारी, जनसंख्या और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना इसलिए जरूरी है कि एक जगह से 12 बच्चा पैदा करने की तैयारी है, अल्लाह की देन है, ठीक है। और एक जगह से, सुनिए, एक जगह से 2 बच्चे की तैयारी रहती है, तो वो जो नियंत्रण का जो चल रहा है ना, देश का जो समावेश टूटा पड़ा है, इधर से उधर डगमगा रहा है। और दूसरा इसका मतलब बेरोजगारी का ये भी एक रीजन है, रीजन ही सबसे बड़ा जनसंख्या। अगर जनसंख्या नहीं होगा तो बेरोजगारी भी नहीं होगी इतनी। मैं वही तो देखिए, ऐसा है कि रीजन नहीं, जनसंख्या तो रीजन है ही है। इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता है कि जनसंख्या रीजन नहीं है, दोनों एक साथ खड़े। हाँ, जनसंख्या रीजन है, लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा है हमारे देश की, ये तो सबको पहले, सबसे पहले सभी को पता है, ये बात सबको पता है। और सरकार अगर इसके लिए एक्चुअली में सीरियस है तो जब सरकार बहुत सारे मुद्दों पे बिल लेके आ सकती है, महिला आरक्षण पे बिल ला सकती है, तो इस मुद्दे पे क्यों शांत बैठी है? सर, इस पे शांत कुछ करे, मैं इस पे जवाब देना चाहूंगा, करना चाहिए सरकार, बिल्कुल करना चाहिए। मैं इस पे जवाब देना चाहूंगा कि एक छोटा सा कानून आया था CA, इस देश में पूरे देश में दंगे भड़क गए थे, बिरयानी बट गए, बटना स्टार्ट हो गया, तो छोटा सा वो था, ठीक है। अगर जनसंख्या आता है तो अल्लाह की देन वाले जो चल रहे ना, उनका फॉर्मूला टूटेगा, वो फिर से देश का माहौल बिगाड़ेंगे। 26 चिरकुट जो बैठे हुए, वो सुनिए, वो जो 26 चिरकुट बैठे हैं वो भड़काना चाहते हैं। सही समय का इंतजार है, मैं आपको बता दूं, 2024 से पहले या 2024 के बाद इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। इसमें क्योंकि ये राम मंदिर का भी सवाल कर रहे थे, अरे सत्ता तो कोई रोक ही नहीं सकता, 400 प्लस है। कौन से गुमान में जी रहे हैं? मैं आपको गुमान में नहीं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के विकास की बात करें तो 7 एम्स से 15 एम्स पे जाना, आज हर एक दिन में 33 किलोमीटर रोड का तैयार होना, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी जो कि अरे कुछ आधे से डबल करना, उसके बाद आप ये देखते हैं ये नल से जल, आज हर जगह गैस की पाइपलाइन बिछाना, व्यवस्था, देश को सुरक्षित करना, ये सारे कार्य हैं जो 10 सालों में हुए। यही सवाल पूछते थे कि राम मंदिर से अडानी जी चला रहे हैं देश, अरे अडानी जी इसलिए चला रहे हैं क्योंकि पहले जो चलाते थे वो अमेरिका और इधर उधर की एजेंसियों को बेच के, आज ये कहते हैं ना मोदी जी चाइना की एजेंसी। सुनिए मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने जो बोला मैं उसमें जवाब देना चाहता हूँ। एक कंपनी थी, ठीक है, वो अमेरिकन कंपनी थी, सोनिया गांधी की सरकार ने अब जो यहाँ का एयरपोर्ट का वो था वो सारा का सारा अमेरिकन कंपनी को बेचा हुआ था। अडानी जी ने बस इतना किया कि उस अमेरिकन कंपनी से खरीद के वो सर्विस दे रहे, इसमें क्या दिक्कत? मुझे ये नहीं समझ आया, देश का पैसा देश में क्या दिक्कत है, क्या विरोध? ये कह रहे चाइना का विरोध, एक नेता कहता है लोकल फॉर वोकल की बात करता है, ठीक है, एक नेता वहाँ जाके राजीव गांधी फाउंडेशन के पेपर पे सिग्नेचर करा के पैसे लेके आता है। इस पर बात करते हैं सर, अभी दिवाली था, लोकल फॉर वोकल पर जोर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि देखिए, 1 District 1 Project का होर्डिंग लगा हुआ है, लोग सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, लोग एक्चुअली में बहुत कुछ कर रहे हैं, फोटो भी खिंचा रहे हैं, हैशटैग्स भी खूब चल रहे हैं, ट्रेंड भी कर रहे हैं। पर एक चीज बताइए हमको कि कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रोजेक्ट और कितने एक्चुअली में जो है टेक ऑफ कर गए हैं, क्या हकीकत है इसी जो स्कीम है इसकी, क्या हकीकत है आप बताइए, पत्रकार हैं है, क्या फोटो तो खींच रही है आपके सामने खींच रही है, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं जानकारी, अच्छा ये सब जरूरी नहीं है, इसकी जानकारी हमें नहीं, मैं जानकारी दे दूं, ये जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं रेलवे की तरफ से चलाया जा रहा है, रेलवे के साथ मिलकर सभी, सुनिए एक सेकंड, सभी रेलवे स्टेशन पे वहाँ के जो चीजें, जैसे भदोही रेलवे स्टेशन है, वहाँ का कारपेट और शॉल बहुत ज्यादा फेमस है,
आगरा का पेठा है, वाराणसी का कुछ और है, दिल्ली का कुछ है, तो हर जगह पे आपको इसके ना एक स्टॉल बना के दिख रहे हैं। और ये 6 महीने का सरकार का टारगेट है कि भारत के सभी रेलवे स्टेशन पे वहाँ के जिले का जो भी चीज़ फेमस हो उसको वहाँ से बढ़ावा दिया जाए, और सरकार उस पर काम कर रही है। मैं अभी काशी गया था, मैंने काशी में भी देखा वहाँ का एक बना हुआ, पर अभी चालू नहीं हुआ है, पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर मैंने भदोही का देखा, भदोही से सुनिए, भदोही का मैंने देखा, भदोही में चालू हो चुका है, वहाँ पर कारपेट और शॉल दोनों बिक रहे हैं। मैं खुद वहाँ गया, मैंने वहाँ अपनी माता जी के लिए शॉल खरीदा है। मैं आपको अगर ना विश्वास हो चलिए दिखा देता हूँ। मैं आपकी उम्र क्या होगी अभी? 30 साल प्लस होंगे। 30 साल है। आपने दोनों की सरकार देखा होगा, थोड़ा तुलनात्मक सवाल पूछ लेते हैं, बेहतर कौन लगा आपको? क्योंकि इधर 10 साल जी ही रहे होंगे, चल रहे होंगे, उधर भी होंगे आप। देखिए देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें अपनी गति से काम करती हैं। हमारी ये सरकार भी मैं एकदम नकार दूं कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया तो ऐसी भी बात नहीं है। स्वच्छ भारत की जो स्कीम है वो बहुत अच्छी मोदी जी ने चलाई, और उसके अलावा भी कुछ और भी स्कीमें हैं, जैसे 370 किया और कुछ कुछ चीज़ें की हैं, जिसका जैसे नया पार्लियामेंट बनवाया, ये सब कुछ किए हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। बोलते हैं कि अमीरों की सरकार है, देश की अमीरों की सरकार, तो खैर ये रहे चाहे कोई भी रहे, वो सरकार तो अमीरों की रहेगी। क्यों रहेगी वो? क्यों गरीबों के लिए? हाँ, वो बिल्कुल सही बात है। वो जब इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात होती है ना, आपको कोई 10 करोड़ देगा क्यों? मुझे आपको तो कोई नहीं दे रहा, आपको तो कोई 50 करोड़ नहीं दे रहा, क्योंकि आपकी पत्रकारिता से किसी की दुकान नहीं गर्म होनी। लेकिन हाँ, एनडी मतलब मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ा चैनल हो, आज तक हो, तो आपके मालिक को फोन जाएगा, देखो ऐसा है, कुछ पैसे जाने वाला है, हाँ चुनाव आने वाला है, 400 करोड़ का रिचार्ज करा रहा हूँ, दिन भर अब जो है बीजेपी की तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छा। तो आपको तो कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर वो जान रहा है कि आप कितने लोग आपको देख लेंगे, क्या कर लेंगे, आपको नहीं दे रहा था। बेहतर हो कि बेहतर है? देखिए, बेहतर की स्थिति में मैं ये बोलूंगा कि देखिए मेरे को टाइम क्या लग रहा है, सीधा हिसाब है कि बेहतर ये तो नहीं, ये नहीं बेहतर, ये बेहतर तो नहीं। तो आप बेहतर लाइए फिर 6 महीने बाद। देखिए, मैंने तो आपको बोला मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। क्या देखिए, मेरी हस्ती एक बूंद के सागर में एक बूंद के बराबर की है, मैं जितना कर सकता हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। बेहतर जैसे कि सबसे पहले सबसे बड़ा बहुत बड़ा एक मुद्दा उठाया गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, वो शायद अगर किया। देखिए, अब ये प्रधानमंत्री के बयानों पे मुकर रहे हैं, वीडियो फुटेज सबूतों का समय चल रहा है। मैं जानकारी के लिए दे दूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी संकल्प पत्र में 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख रुपए का कहीं पर जिक्र नहीं है। सुनिए, और वह सुन लीजिए, मैं दोनों पे क्लियर कर दूं, क्योंकि इनका मुझे पता है राहुल गांधी यूनिवर्सिटी जो है वो धीरे धीरे खुलता है, चलता है, ठीक है। और दूसरा मैं जानकारी इनको दे दूं, ये जो कह रहे हैं ना कि पहले बेहतर था अब नहीं है, इनको मुझे लग रहा है वो दंगा आतंकवाद ये ज्यादा पसंद था, क्योंकि जब देश में हर जगह बम फूटते थे ना, तो उनको इनको ये पसंद था। आज वो रुक गया है, आतंकवाद अपने चरम सीमा पे खत्म होने की उस पे है, तो इनको वो दिक्कत है, क्योंकि पहले आतंकवाद को इन्हें अच्छा लग रहा था, जब देश में सर काट के पाकिस्तान के ले जाते थे ना, पहले सर्जिकल स्ट्राइक की औकात नहीं होती थी ना, तो इनको वो पसंद था, क्योंकि भारत हमेशा झुक के रहे ना, इसलिए उनको ये पसंद है। और भारत आज सीना चौड़ा करके आज हर जगह पे अगर बीट कर रहे हैं ना, ये इनको पसंद नहीं है। लग रहा ना कि गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं सर? मैं बताता हूँ ना, गरीबों के लिए क्या नहीं किया, आयुष्मान योजना, जल से नल का जो वो था, ठीक है, और उज्ज्वला योजना हो गया, 80 करोड़ लोगों को राशन देना हो गया, ठीक है, खाली जो है ये फ्री नहीं है। सुनिए, ये सब मुहैया सुविधा जो 70 सालों में आप लास्ट गांव तक नहीं पहुंचा पाए, नरेंद्र मोदी की सरकार है कि भारत के आखिरी गांव तक बिजली पहुंच रही है, 18 से 24 घंटे के टाइम पर बिजली मिल रही है, यह सबसे बड़ी तरक्की है। वहां तक स्वच्छ पानी पहुंचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक बार बताइए, स्वच्छ कहां से रहेगा? पानी से रहेगा। अगर बिजली रहेगी तो पढ़ेगा लिखेगा तो रोजगार पाएगा। ये कह रहे नहीं अंधेरा रहे, पानी गंदा है, पी के मौज करे, ये सुनिए, ये इनका सबसे बड़ा स्टैंड है। विकास का मतलब ये विकास का मतलब ये नहीं है, ये कह रहे फिर 80 करोड़ जनता को अगर राशन देना तो भीख नहीं था। जब कोरोना टाइम 2019 के टाइम पर आया तो उस समय देश की अर्थव्यवस्था को
हिल ना जाए, उस समय उनको मदद करना था और आज तक चल रहा है। और दूसरा ये कह रहे हैं ना, यही लोग होते हैं ना, 15 साल इनको लग गए थे भारत में पोलियो का वैक्सीन लाने में। भारत ने दो दो वैक्सीन तैयार करके पूरे वर्ल्ड में भी भेज रही है और भारत के हर व्यक्ति को दो दो वैक्सीन फ्री में लगवाया और उसके बाद तीसरा भी लगा रही। ये सवाल है, मोदी जी पूछ रहे थे, बोल रहे थे ना कि 80 करोड़ कुछ नहीं, वैक्सीन वाला जो बोला इन्होंने बहुत अच्छा बोला, सरकार ने 80-100 करोड़ से अधिक के लोगों को एक्चुअली में वैक्सीन लगवाया। ये बात सच है, जो चीज अच्छी की है वो अच्छी की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये सोच रहे हैं सबको सरकार ही खाना पहुँचा दे, सबको ये कर दे, देखिए अगर आपने नहीं, अगर आपके अगर आप अगर आपके पास राशन, अरे पहले सुन तो लो यार, हाथों हाथ थोड़ी ना होता है, 2 मिनट रुक लो। कल का बयान दूं, ठीक है? देखिए ऐसा है कि जब लोगों के पास, अगर लोगों के पास रोजगार आ जाएगा वो साफ पानी नहीं पी लेंगे, वो पढ़ाई नहीं ले लेंगे। 30,000 रुपया तुम्हारी पॉकेट में गिर रहा है, तुम साफ पानी नहीं पी पाओगे। 4,000 रुपए का, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए के करीब का पानी खरीदेगा युवा, जो फ्री में सुने, देश जो फ्री में पानी मिल रहा है, स्वच्छ मिल रहा है। एक 20 लीटर का कैन भी ना 30 से 40 रुपए का आता है। और सुनिए, एक परिवार में अगर 5 व्यक्ति है तो 2 से 3 तो लगेगा ही लगेगा। अब बताओ ना, ये मतलब कि ये चाहते हैं कि पानी भी ना जाए, बिजली भी ना जाए, सड़कें भी ना जाए, ये बस चाहते देश में रोजगार दे। अरे रोजगार बहुत ज्यादा लेने वाला चाहे ना, लेने वाले की रोजगार है भाई। रोजगार तो बात यह है कि आदमी खुद करना पड़ेगा, साफ सीधी बात है। मेहनत ना करोगे तो कुछ क्या हाथ मिला, कुछ भी ना। मेहनत करना पड़ेगा। जो सरकार पर आरोप लगाते हैं कि रोजगार नहीं दे रही है सरकार, उसके लिए यह तो ये है अपनी नाकामी है। जैसे मैं कमी मेरी है ना, रोजगार नहीं ढूंढ पा रहा। अरे सरकार पर आरोप लगाते नहीं, सरकार रोजगार नहीं दे रही है, कब तब क्या करोगे? अब सरकार घर जाकर थोड़ी देगी रोजगार किसी को, अनपढ़ को भी रोजगार देगी सरकार? घर जाकर नहीं देगी। जो मांग रहे उनको क्या कहोगे फिर, कि सरकार ही नौकरी देगी तभी करेंगे? एक बात बताइए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। बड़ी देर से मैं सोच रहा हूँ, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में ऐसा बोला कि हर बंदे के शर्ट पे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन एमपी होना चाहिए, और तरह तरह की बातें बोली। ये क्यों नहीं सुना? रोजगार है जी देश में जी, वो तो आप इसके ऊपर डिपेंड करता है, आप मेहनत कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आपको रोजगार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा आपको? मेरा तो ये मानना है, जो कहते हैं कि मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार दे रही थी, नहीं दिया तब क्या करोगे आप? इतने सारे स्टार्टअप, आप 2014 से पहले, आप ये बताए कोई स्टार्टअप का नाम जानता था? नहीं जानता था, अभी जाना ना, अभी जानने लगा। हाँ, बोलते नहीं गवर्नमेंट रोजगार, गवर्नमेंट जॉब नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं दे रही है सरकार। क्यों नहीं आ रही भाई, आ तो नहीं है, आप अप्लाई कीजिए, जॉब पाइए। मेरी बात को क्यों काट दिया? अप्लाई करिए, जॉब मिलेगा। हाँ, और जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि बहुत महंगाई है, बहुत बेरोजगारी है, युवा भटक रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, भाई जितना आप महंगाई बढ़िया आपने बोला है, ठीक है, आप आज का काम तो चूतिया बना रहा ना, पेपर लीक हो तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? आप मोदी के ऊपर आरोप लगा दिए, अब काम भी तो देखिए, काम भी तो देखिए ना, 370 हटी कि नहीं, राम मंदिर का निर्माण हो रहा कि नहीं, जो राशन का, जो राशन मिलता था गरीबों को, मिट्टी तेल पहले, जो गेहूं चावल, गरीबी बढ़ रही है, जो गेहूं चावल आटा आता था पहले राशन का, बीच में कोटेदार ही खा लेता था, जब से बायोमेट्रिक आई तब से कोई खा पाता है राशन? नहीं खा पाता। तो यूपीआई आया, ऑल ओवर वर्ल्ड देश का नाम बना। अच्छा, अभी तो हम पहले 2014 पहले यही सुनते थे अमेरिका सुपर पावर है। अब कितनी है? मेरी उम्र 21 साल। नाम? राजेश कुमार। कहाँ से? लखनऊ से। जी हाँ, मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, 6 महीने में चुनाव होने वाला है। हाँ, क्या लगता है? मोदी सरकार ही। उसके अलावा कोई है ही नहीं विपक्ष में। जब आप ये समझिए कि विपक्ष को एकजुट होना पड़े तो एक दूसरी तरफ शेर खड़ा है। शेर खड़ा है कि नेता खड़ा है? खड़ा तो नेता ही, बट शेर जैसा नेता है। हाँ, काम कर रहा है जी। हाँ, महंगाई तो नहीं होगा सर आपके लिए? नहीं, महंगाई क्या, कुछ नहीं है, ये सब प्रोपेगंडा चलता है विपक्ष का, क्योंकि इनका चलता ही रहेगा, क्योंकि विपक्ष के पास में कोई मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा विहीन लोग हैं। अच्छा, ये चोर, सबसे बड़े चोर, चोरी करना इनका बंद हो गया तो ये मतलब वो कर रहे हैं कि हमें लूट खसोट का माल क्यों नहीं मिल रहा? सबसे बड़ा सवाल, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। कौन कह रहा है? जो योग्य है उसे रोजगार मिल रहा है, जो योग्य है। पहले अपना नाम और उम्र बताना। मेरा नाम कपिल है, मैं 22 साल का हूँ। 22 साल है, कहाँ से हो? मैं बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़, जिला यूपी? हरियाणा। हरियाणा,
रोजगार है? हाँ है, बिल्कुल है। सरकारी वैकेंसी आ रही है? आ रही है, मेरा भाई खुद सीबीआई में है। सीबीआई में? हाँ। और जो आरोप लगाते हैं कि रोजगार ही नहीं है देश में, वो तो पागल है। कहने वाले कितना कहेंगे? अरे कहेंगे ना सरकार बनाने के लिए। सरकार हमारे पास आ रही है अब, और जो अनपढ़ है उनके पास आई नहीं, तो हमारी गलती है उसमें। अच्छा पढ़ना पड़ेगा पहले? आप बिना पढ़े आप कर लोगे कुछ, ये बताओ आप? नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ाई के बाद सब कुछ है। बिल्कुल। महंगाई तो लोगों को इतना बनना है कि महंगाई क्यों देखनी है? वो उतना ही, वो उतना कमाए, वो उतना कमाए, उतना कमाए। हाँ कमा रहे उतना? हाँ मेरा भाई बिल्कुल आराम से कमा रहा है। भाई नहीं तुम अपना बताओ क्या कर रहे हो अभी? मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? 22 साल उम्र है। हाँ। 6 महीने में चुनाव वोट देते हो? हाँ। पहली बार दे रहे हो क्या? दिए हो? दे रखा है। दे रखा है? हाँ। 6 महीने में चुनाव होने वाला है लोकसभा का। हाँ। क्या लगता है मोदी सर? मोदी सरकार।